मथुरा के वृंदावन में गरीबों को कंबल व पिज्जा वितरण किया गया। जहाँ चाह वहाँ राह, कहावत है जिसका कोई नहीं उसके लिए कई हाथ खड़े हो जाते हैं। उसी क्रम में वृंदावन के कई संगठन गरीबों के लिए अपने हाथ खड़े करते हुए दिखाई दिए। वहीं ठंड के इस मौसम में ठिठुरते लोगों का सहारा बनी मित्र मंडली ने वृंदावन के कई क्षेत्रों में गरीब असहाय लोगों को कंबल एवं पिज्जा वितरित कर उनका नया साल मनाया। मुकुंद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यह प्रेरणा मुझे उन गरीब लोगों को देखकर मिली जो ठंड में ठुठर रहे थे और मेरा यह प्रयास है कि मैं ऐसे ही सदैव ऐसे लोगों की सेवा करता रहूं और अन्य सामाजिक संगठनों के आग्रह करता रहूं ऐसे गरीब लोगों के लिए आगे आए और उनकी मदद करें। ऋतिक अग्रवाल, मथुरा समाचार 24। जी, क्या नाम है आपका? मुकुंद वसु। आज आप यहाँ रात को घूम रहे हैं कंबल लेकर के? जी। कैसे घूम रहे हैं, क्या करना है, आपका उद्देश्य है? भैया, ये हम सभी की टीम है। हम सब मिलके जो हमें सड़क पर जो लोग मिलते हैं जो इनके पास कंबल नहीं होता, जो ठंड में ठिठुर रहे होते हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा प्रयास है कि हम उनको एक कंबल दे सकें जिससे वो रात ठीक से निकाल सकें अपनी। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ठंड है, तो ये हमारी टीम है। इंद्र भाई हैं, पीयूष भाई हैं, अभिषेक भैया हैं, मालवीन और सब हम जो लोग जुड़े हुए हैं हमसे, हम सब मिलके हर साल हमने ये लिखा है कि जितना हमसे बन पाएगा हम उतना करते हैं। जैसे कि इस साल हमने आज ही के दिन 3 तारीख को हमने 100 पिज्ज़ा और फ्रूटी का लक्ष्य रखा था। उसमें ये उद्देश्य ये था कि जो लोग हैं जो कि झोपड़ियों में, वो भी वो जो बच्चे हैं वो सेलिब्रेट कर सकें थोड़ा। साथ ही साथ हमने अनाथालय में गीता, जो कि हमारा पवित्र ग्रंथ है, उसको हमने सभी में वितरण नहीं किया, क्योंकि गीता एक पवित्र ग्रंथ है। तो कुछ यही लोगों को वो चीज उसका भी वितरण किया गया। कितने कंबल आज आपने वितरण किए? हमने आज 100 कंबल वितरण किए। आपको ये प्रेरणा कैसे मिली करने के लिए? ये प्रेरणा भैया, हमें ये प्रेरणा मिली जब हम निकले थे, हमने देखा रात में कि ये शुरुआत हुआ 3 साल पहले से, तो हमने देखा कि रात में कई लोग ऐसे हैं जो कि एक मोम जमा ओढ़ के सोते हैं, उनके पास कंबल नहीं होता ओढ़ने के लिए। तो हमें ये लगा कि अगर हमसे जितना बनेगा हम उतना करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी हमने वही प्रयास किया, हम सभी ने मिलके उसी चीज़ को दोहराया और आगे जितना हमसे बनेगा हम उस चीज़ को करेंगे, क्योंकि आपके सिवा इन लोगों का कोई नहीं। जितना हमसे होगा, मेरी यही अपील है कि आप जितना आपसे बने आप उतना करें। और साथ ही साथ हमारा एक सोशल मैसेज ये था कि हमारे हिंदुओं का जो ग्रंथ है गीता प्रेस, जो कि आज लॉस में चल रहा है, जो कि बिना प्रॉफिट पर काम करता है, तो उसका ये था कि हम एक डायरी के थ्रू, एक हनुमान चालीसा के थ्रू जितना हमसे बन पाए, जैसे कि आज हमने जितना हमसे बना उतना किया, उसको थोड़ा उठा सकें ऊपर, जितना होगा उतना कर सकें। क्योंकि सबसे पुराना और सबसे गीता प्रेस गोरखपुर हमारा हिंदुओं का सबसे बड़ा ग्रंथ प्रोडक्शन हाउस है, तो उस चीज का हमने एक सोशल मैसेज दिया इसके साथ। और आपके चैनल के थ्रू हमारा एक मोटिव ये था कि हम ये सोशल मैसेज दे सकें। हमारा प्रचार प्रसार ये हमारा मोटिव नहीं, हमारा ये था कि ये सोशल मैसेज और लोगों तक जा सके, क्योंकि वह भी प्रेरित हों और वो भी जितना उनसे बन सकता है वो उतना करें।